अगर आपके पास एक ब्लॉग है और आप परेशान हो कि आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आ रहा, ब्लॉग आपका ग्रो नहीं कर रहा, तो ये वीडियो आप लोग के लिए ही है। अगर आपका ब्लॉग मोनेटाइज है तो इस मेथड का यूज़ करके आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर आपका ब्लॉग मोनेटाइज नहीं है तो आप अपने ब्लॉग पर बहुत अच्छा ट्रैफिक लेके आ सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको अपने ब्लॉग का प्रूफ भी बताऊँगा कि कैसे मैं इस मेथड का यूज़ करके ट्रैफिक लेता हूँ। इस मेथड से आप मिलियंस में ट्रैफिक ले सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो इस मेथड के बारे में और लाना चाहते हो अपने ब्लॉग पर मिलियंस में ट्रैफिक, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को उसके बारे में पहले से पता हो, लेकिन यूज़ कैसे करते हैं वो आप इस वीडियो में सीखोगे प्रूफ के साथ। ओके दोस्तों, अगर आप एक ब्लॉगर हो तो आपके लिए इस वीडियो में मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, और जो गिफ्ट है दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपको वो गिफ्ट कैसे अवेल करना है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जिस मेथड के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है पिंटरेस्ट। तो दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि आप पिंटरेस्ट का यूज़ करके ट्रैफिक ले सकते हो अपने ब्लॉग पर, बट मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि मैं कैसे लेता हूँ ट्रैफिक और आपको कैसे लेना है, आपको सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपना पिंटरेस्ट अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, तो आप यहां पर देख सकते हो मैंने अपना पिंटरेस्ट अकाउंट जो है वो ओपन कर लिया है। तो दोस्तों, आप में से सभी को पता होगा कि पिंटरेस्ट एक फ़ोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। यहां पर आप अपने फ़ोटोज़ को शेयर कर सकते हो, और फ़ोटोज़ को शेयर करके आप अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक ले सकते हो। तो चलिए, मैं अब आपको अपने वेबसाइट का, मतलब अपने पिंटरेस्ट अकाउंट का, और मैं अपने वेबसाइट पर किस तरह से ट्रैफिक लेता हूँ उसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये मेरा पिंटरेस्ट अकाउंट है। यहाँ पर देखिए, bestlines.in मेरा पिंटरेस्ट अकाउंट का नेम है। तो ये रहा मेरा पिंटरेस्ट अकाउंट। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कुछ कोर्स वाले इमेजेस को शेयर किया है, क्योंकि मैं जो है यहाँ से ट्रैफिक लेता हूँ अपने एक कोर्स वाले वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ इस तरह के पिंस मैंने यहाँ पर शेयर करे हैं। तो बड़ा ही सिंपल होता है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती यहाँ पर, जस्ट सिंपली आपको यहाँ पर फोटो शेयर करना होता है। तो चलिए, मैं अपने अकाउंट का अब आपको प्रूफ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एनालिटिक्स, तो चलिए हम एनालिटिक्स एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ओवरव्यू, तो अब आपको यहाँ पर मेरे अकाउंट का जो है वो पूरा ओवरव्यू दिखेगा गाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरे अकाउंट का ओवरव्यू ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए गाइज, ये जो है लास्ट 30 डेज का डाटा शो कर रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए गाइज इंप्रेशन, और लास्ट 38 डेज में मुझे जो इंप्रेशन मिले हैं गाइज, वो आप देख सकते हो 1.75 मिलियन इंप्रेशंस मुझे मिले हैं सिर्फ और सिर्फ 30 डेज में। तो यहाँ पर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा रीच मिलती है आपको यहाँ पर। तो आपको बता दूँ, 1.75 मिलियन यानी कि 17,50,000 इंप्रेशन मुझे मिले हैं लास्ट 28 डेज में। और इन 1.75 मिलियन इंप्रेशन में से मेरी जो ऑडियंस है, मुझे जो व्यूज़ मिले हैं गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हो 6,94,000। यहाँ पर देखिए 6,94,000 मुझे मिले हैं अपने इमेजेस पर सिर्फ 28 डेज में। और उसके बाद यहां पर आप देखिए एंगेजमेंट, यहां पर देख सकते हो आप जो एंगेजमेंट है वो है 88.9K। अब एंगेजमेंट मतलब गाइस, किसी ने अपनी फोटो को व्यू किया, मेरी जो इमेज है उसको व्यू किया, और व्यू करने के बाद उन्होंने लाइक किया या कॉमेंट किया, या उन्होंने उस पिक को सेव किया या लिंक पर क्लिक किया, कुछ भी इस तरह का उन्होंने एक्टिविटी की, तो वो एंगेजमेंट में आता है। तो यहां पर आप देख सकते हो 88.9K एंगेजमेंट है गाइज, और ये डाटा जो शो कर रहा है गाइज, ये 30 डेज का है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि पिंटरेस्ट कितनी ज़्यादा रीच आपको देता है, कितनी ज़्यादा ट्रैफिक आप यहाँ से ले सकते हो गाइज। और एक बात यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जो 1.75 मिलियन इंप्रेशंस मुझे मिले हैं गाइज, इससे आप 10 गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा भी इंप्रेशन ले सकते हो। और ये जो ट्रैफिक है, इससे भी आप 10 गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा ले सकते हो। बस आपको यहाँ पर जितने हो सके उतने इमेजेस को शेयर करना है। मैंने यहाँ पर बहुत ही कम पिंस शेयर किए हैं, यहाँ पर फोटो को पिन बोला जाता है, पिन, तो पिंस मैंने बहुत कम यहाँ पर शेयर किए हैं। तो चलिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, और
और यहाँ पर देखिए ये इस तरह के कुछ इमेजेस मैंने शेयर किए हैं गाइज। तो थोड़ा नीचे और स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर आप देखिए, तो गाइज यहाँ पर आप देखिए टॉप पिंस, अपने जो अकाउंट के सबसे टॉप पिंस है वो यहाँ पर शो करता है गाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक आर्टिकल था, ब्यूटीफुल व्हाट्सअप डीपी वगैरह कुछ इस तरह का एक आर्टिकल है मेरे वेबसाइट पर। तो मैंने उस आर्टिकल को यहाँ पर लिंक देके सारे इमेजेस को अपलोड किए हैं। तो ये जो सिंगल इमेज है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाली जो इमेज है गाइज, इस सिंगल इमेज पर लास्ट 30 डेज में मुझे मिले हैं 1,94,000 इंप्रेशंस, 1,95,000 इंप्रेशंस मुझे इस एक सिंगल इमेज पर मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए उसी आर्टिकल की एक दूसरी इमेज यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह की एक इमेज है, इस इमेज पर मुझे यहाँ पर मिले हैं 1,49,000 समझ लीजिए 1,50,000 इंप्रेशन मुझे इस वाली इमेज पर मिले हैं। और यहाँ पर आप देखिए गाइज, यहाँ देखिए आप टाइप, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक है ये जो सारे इंप्रेशंस मुझे मिल रहे हैं, ये जो सारे हैं कुछ ये ऑर्गेनिक है, सर्च में आकर मुझे मिले हैं इतने इंप्रेशंस, ये ऑर्गेनिक है। तो इसी तरह से यहाँ पर कुछ इंप्रेशंस मुझे मिले हैं, बहुत कम इमेजेस को मैंने यहाँ पर अपलोड किया है, ज़्यादा पिंस मैंने शेयर नहीं किए। तो चलिए इस वाली सॉरी ये जो इमेज है इसे हम एक बार यहाँ पर से व्यू पर क्लिक करके देख लेते हैं इस इमेज की डिटेल, इस इमेज से मुझे कितना ट्रैफिक मिला अपने वेबसाइट पर। तो चलिए मैं यहाँ पर से क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये जो इमेज है वो ओपन हो चुकी है, इंप्रेशंस देख सकते हो 1,94,000। यहाँ पर आप देख सकते हो सेव, यानी कि 330 लोगों ने मेरी इस इमेज को सेव किया है अपने बोर्ड्स में। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो लिंक क्लिक्स, यहाँ पर देखिए 208 लिंक क्लिक्स सिर्फ एक सिंगल पिन से गाइस, सिर्फ एक सिंगल इमेज से मुझे 208 क्लिक्स मिले हैं। तो यहाँ पर अगर कोई हमारी जो पिन है वो व्यू करता है और व्यू करने के बाद अगर उसे पिन अच्छी लगती है, वो अगर चाहता है मतलब इससे रिलेटेड और भी कुछ करें, तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ अपनी पिक पर, तो यहाँ पर देखिए मेरे वेबसाइट का नेम शो कर रहा है। तो कोई भी बंदा जैसे ही इस वाली इमेज पर क्लिक करता है तो वो सीधा रिडायरेक्ट हो जाता है मेरे वेबसाइट पर, मेरे ब्लॉग पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक ब्लॉग है, ये ब्लॉग मैंने जस्ट सिंपली इसीलिए बनाया है, मैं इस ब्लॉग पर बिल्कुल भी SEO नहीं करता और इस ब्लॉग को मैंने सर्च कंसोल में भी अभी तक सबमिट नहीं किया है। मैं जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए इस वाले ब्लॉग को बनाया था, ब्लॉगस्पॉट पर है, यहाँ पर आप देख सकते हो जस्ट सिंपली विदाउट SEO मैं कितना ट्रैफिक ले सकता हूँ, ये ट्राई करने के लिए मैंने इस ब्लॉग को बनाया है। तो यहाँ पर मैं इस पर काम भी नहीं करता, मैंने जब स्टार्ट किया था तभी मैंने कुछ पिंस पिंटरेस्ट पर डाल के छोड़ दिए थे रिजल्ट देखने के लिए। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि इस तरह से एक एक इमेज पे मुझे इतने इंप्रेशंस मिल रहे हैं, क्लिक्स मिल रहे हैं। अगर आप दोस्तों पिंटरेस्ट पर फोकस लेकर अगर आप काम करोगे और यहाँ पर पिंस जितने ज़्यादा पिंस आप अपलोड करते रहोगे उतने ज़्यादा इंप्रेशंस आपको मिलेंगे, जितने ज़्यादा इंप्रेशंस आपको मिलेंगे उतनी ज़्यादा ट्रैफिक आपको अपने वेबसाइट पर मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर आप देखिए ये जो है ना सॉरी यहाँ पर आप देखिए lovesharingimages.com। तो मैं अभी इसी वाले ब्लॉग में लॉग इन करके आपको दिखाता हूं कि जो मेरा ट्रैफिक है वो किधर से आ रहा है। तो चलिए यहां पर से हम ब्लॉगर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सक्सेसफुली ब्लॉगर में लॉग इन कर लिया है गाइस। तो यहाँ पर आप देखिए एक बार मैं यहाँ पर व्यू ब्लॉग पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ अभी जो मैंने ब्लॉग बताया वो ये सेम है या नहीं। तो व्यू ब्लॉग पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हो lovesharingimages.com, तो मैंने उसी वाले ब्लॉग में लॉग इन करा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो टोटल पोस्ट है मैंने यहाँ पर अभी तक डाले हैं वो सिर्फ 10 पोस्ट मैंने डाले हैं, सिर्फ मैंने यहाँ पर 10 पोस्ट ही किए हैं गाइस। तो चलिए यहाँ पर से हम कहाँ पर यहाँ पर स्टैट्स देख लेते हैं। तो मैंने स्टैट्स पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए आपके सामने सारा डैशबोर्ड आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कल जो ट्रैफिक थी मुझे मिली थी 112 और आज का जो टुडे पेज व्यूज़ है वो है 67 और यहाँ पर आप देख सकते हो पेज व्यूज़ लास्ट मंथ जो मुझे मिले हैं वो है 4161 पेज व्यूज़ मिले हैं मुझे विदाउट SEO सिर्फ और सिर्फ पिंटरेस्ट से। और ऑल टाइम यहाँ पर आप देख सकते हो 9802। तो यहाँ पर अब मैं आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए गाइस ट्रैफिक सोर्स जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए पिंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ पिंटरेस्ट से मुझे ट्रैफिक मिलता है, क्योंकि ना तो मैंने इसका कोई SEO किया है, ना मैंने इसको गूगल सर्च कंसोल में सबमिट किया, ना मैं फेसबुक पर शेयर करता हूँ, कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ पिंटरेस्ट को टेस्ट करने के लिए मैंने इस ब्लॉग को बनाया था गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ट्रैफिक सिर्फ और सिर्फ मुझे पिंटरेस्ट से मिल रहा है। और दोस्तों जो डाटा आपके सामने शो हो रहा है ये है वीक का डाटा। अगर मैं यहां पर से मंथ को सेलेक्ट कर लूं तो आप यहां पर देख सकते हो इस वाली सिंगल पिन पे मुझे मिले हैं 337 पेज व्यूज और इस वाली पिन पर मुझे मिले हैं 283
पेज व्यूज, इस वाली पिन पर 198 पेज व्यूज। तो यहाँ पर आप इन नंबर्स को मत देखिए दोस्तों, इन नंबर्स को आप बिल्कुल भी मत देखिए, आप यहाँ पर पोस्ट को देखिए। मैंने इस ब्लॉग पर कितने पोस्ट डाले हैं आप उसको देखिए, सिर्फ मैंने 10 पोस्ट ही डाले हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो, सिर्फ 10 पोस्ट डालकर मैंने कुछ इमेजेस को पिंटरेस्ट पर शेयर किया है और वहां से मुझे जो ट्रैफिक है वो इतना मिल रहा है। तो ये जो ट्रैफिक है ये कुछ भी नहीं है, आप अगर चाहो तो इससे 10 गुना ज्यादा, जैसे मैंने आपको बोला 100 गुना ज्यादा भी ट्रैफिक आप यहां से ले सकते हो पिंटरेस्ट की मदद से। दोस्तों मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाया पिंटरेस्ट पे मैंने अकाउंट पे कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, कितने क्लिक्स मिल रहे हैं, कितनी ऑडियंस है, और फिर मैंने यहां पर आके आपको दिखाया है ब्लॉग पर कि मुझे जो ट्रैफिक मिल रहा है जो मैंने आपको बताया है वो सच है या नहीं। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, अब आप बोलोगे मैंने जो पिंटरेस्ट का अकाउंट बताया है उस पर इतने ज़्यादा इंप्रेशंस और इतनी ज़्यादा ऑडियंस इसे मिली है और यहाँ पर ये जो व्यूज़ बता रहा है ये बहुत ही कम है। तो गाइज ऐसा नहीं है, मैं आपका अभी डाउट क्लियर करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो ब्लॉग है मेरा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो loveSherryImages.com, ये वाला ब्लॉग है अभी जो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं पिंटरेस्ट पर, मैं आ गया हूँ अपने पिंटरेस्ट अकाउंट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मेरे पिन्स है अभी जो मैंने आपको बताया, तो चलिए यहाँ पर एक और बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए गाइस ये एक पिन है मेरी, तो मैं इस पिन को ओपन कर लेता हूँ और ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर देखिए मैं आ गया हूँ इस वाली पिन पर। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका ओवरव्यू, मैं आपको जस्ट सिंपली एक पिन का डिटेल बता रहा हूँ। तो अभी आपने यहाँ पर देखा इस वाले ब्लॉग पर हम आए थे, इस वाले ब्लॉग का ट्रैफिक वगैरह मैंने आपको बताया कहाँ से आ रहा है क्या हो रहा है। तो ये वाली जो पिन है ना दोस्तों, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस वाले पिन पर क्लिक किया तो मैं किस वाली वेबसाइट पर जा रहा हूँ, किस वाले ब्लॉग पर जा रहा हूँ, आप ये देखिए गाइस यहाँ पर देखिए bestlines.in। तो ये जो ब्लॉग है दोस्तों ये एक अलग ब्लॉग है दोस्तों, अभी मैंने इसका आपको प्रूफ बताया था लवशेरी इमेजेस वाला, तो आपके मन में ये डाउट ना आए इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि उतने ज़्यादा इंप्रेशंस मुझे पिंटरेस्ट में मिले और ऑडियंस भी मुझे अच्छी खासी मिली, और आप को ऐसा ना लगे कि मैंने जिस ब्लॉग की ट्रैफिक आपको बताई वो बहुत कम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ट्रैफिक आपने देखा है मेरे पिंटरेस्ट अकाउंट पे, उस पर मैंने 2-3 वेबसाइट्स ऐड किए हैं, तो मेरा जो ट्रैफिक है मोस्टली 2-3 वेबसाइट्स पर जाता है दोस्तों, और मैंने क्लियर भी कर दिया है कि आपके माइंड में ये डाउट आए ना। तो दोस्तों आप इससे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आप अपने वेबसाइट पर ले सकते हो। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन इन्फॉर्मेशन है वीडियो में भरी, तो चलिए मैं यहाँ पर से देखिए इस वाली ब्लॉग व्यू ब्लॉग पर क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैंने व्यू ब्लॉग पर क्लिक किया तो हमारा जो वेबसाइट है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पर देखिए गाइस मैंने यहाँ पर SEO नहीं किया, मुझे ट्रैफिक कहीं और से नहीं मिलता इस वेबसाइट पर, और जितना भी ट्रैफिक आ रहा है वो पिंटरेस्ट से आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं किसी पर भी क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पर गौर से देखिए होता क्या है। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऐड खुल गया है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ये जो मेरा ब्लॉग है मैं इस पर पॉप एड्स लगा कर भी अर्निंग कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पिंटरेस्ट से ट्रैफिक लेकर। तो आप भी यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हो पिंटरेस्ट की मदद से। अगर आपका वेबसाइट, अगर आपका ब्लॉग एडसेंस से मोनेटाइज्ड है तो फिर तो क्या कहने, आप बहुत ही अच्छा ट्रैफिक पिंटरेस्ट से लेके बहुत ही अच्छा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो। तो चलिए अब हम थोड़ा सा पिंटरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको कैसे पिंस को क्रिएट करना है। अकाउंट बना लेने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पर SEO करने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपली आपने अगर अपने ब्लॉग पर कोई पोस्ट बनाया है उसमें अगर इमेजेस है तो सिंपली आपको उस वाले पोस्ट का URL को ले लेना है। मैं यहाँ पर से बेस्टलाइंस वाले किसी एक पोस्ट का URL ले लेता हूँ आपको एग्जांपल के लिए दिखाने के लिए। यहाँ पर आप देखिए सैड शायरी इन हिंदी, कुछ इस तरह का मेरा ये एक आर्टिकल है। इस वाले आर्टिकल का आपको जस्ट सिंपली लिंक कॉपी कर लेना है गाइज, यहाँ पर देख सकते हो कॉपी लिंक एड्रेस, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और उसके बाद आपको पिंटरेस्ट पर आ जाना है। और पिंटरेस्ट पर आ जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट, आप इसको फ़ोन से भी कर सकते हो। तो दोस्तों मोस्टली जो लोग हैं वो पिंटरेस्ट को अपने मोबाइल फ़ोन से यूज़ करते हैं, तो यहां पर मैं भी आपको मोबाइल फोन से ही बता रहा हूं। तो यहां पर हमने पिंटरेस्ट को ओपन कर लिया है गाइस, और ओपन करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो प्लस का एक आइकॉन शो कर रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो पिन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो यहां पर आप देख सकते हो एक ब्राउजर टाइप यानी कि वेब टाइप आपको यहां पर एक आइकॉन नजर आ रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है, और उस पर क्लिक
करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एंटर वेब एड्रेस। तो आपने अभी जो कॉपी किया था आपको जस्ट सिंपली उसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए सर्च, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही सर्च पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो उस पोस्ट में जितने भी इमेजेस होंगे, जितने भी उसमें आपने इमेजेस को दिया है, वो सारे इमेजेस यहाँ पर एक क्लिक में लोड हो जाएंगे। गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो वो सारे इमेजेस यहाँ पर आ गए हैं जो कि मेरे उस वाले पोस्ट में थे। तो आपको सिंपली आकर यहाँ पर एक लिंक आपके पोस्ट की पेस्ट करना है, और उसके बाद मैं इन सारे इमेजेस को अपलोड करना चाहता हूँ पिंटरेस्ट पर। तो आपको सिंपली यहाँ पर देखिए आप सेलेक्ट ऑल करना है, तो ये जो सारे इमेजेस है वो सेलेक्ट हो गए हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, और बस इतना ही, आपको और कुछ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर से आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, बोर्ड यानी कि कैटेगरी सेलेक्ट करना है, मतलब आपके जो इमेजेस है वो किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आपके पास बोर्ड्स ऑलरेडी है तो आप सब सबमिट कर दीजिए किसी भी बोर्ड में। अगर नहीं आप न्यू अकाउंट बनाए हो पिंटरेस्ट पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट बोर्ड, तो आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद बोर्ड नेम आपको देना है। तो वो जो पोस्ट था सैड शायरी कुछ था, तो मैंने यहाँ पर से शायद शायरी नाम का एक बोर्ड क्रिएट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देखिए आपका बोर्ड क्रिएट हो गया है, और जो सारे इमेजेस आपने अभी जो पोस्ट के लिंक शेयर की थी, जो सारे इमेजेस थे, वो सारे इमेजेस सैड शायरी वाले बोर्ड में यानी कि उस कैटेगरी में आपकी प्रोफाइल पर सेफ हो जाएंगे गाइज, अपलोड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतना तो सिंपल है आपको पिंटरेस्ट का यूज़ करना। सिंपली यहाँ पर आपको एक एक इमेज अपलोड नहीं करनी, आपको सबका SEO नहीं करना, इस तरह का कुछ भी करना नहीं है। जिसमें भी आप अपने ब्लॉग पर आर्टिकल लिखते हो तो उसी आर्टिकल का लिंक आपको कॉपी करना है, आना है पिंटरेस्ट पर और आकर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आप किसी भी कैटेगरी पर वर्क कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कोर्स वाले वेबसाइट की एग्जाम्पल बताई है आपको, बट आपका कोई भी वेबसाइट हो, फिटनेस हो, एजुकेशन हो, इंश्योरेंस हो, कुछ भी हो, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से पिंटरेस्ट का यूज़ करके मिलियंस में ट्रैफिक लेते हैं बहुत सारे लोग। यहाँ पर मैं आपको अगर कुछ अकाउंट्स दिखाऊं दोस्तों तो आप हैरान रह जाओगे देखकर। चलिए हम यहाँ पर से होम फीड में आ जाते हैं, और होम फीड में आने के बाद यहाँ पर आप देखिए मैंने एक प्रोफाइल यहाँ पर ओपन की है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो 10 मिलियन प्लस मंथली व्यूअर्स, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा मंथली व्यूज़ इन्हें मिलते हैं गाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिंटरेस्ट का यूज़ करके आप कितना ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो। और जैसे जैसे आप पिंटरेस्ट को यूज़ करना सीख जाओगे, जैसे जैसे आपको पता चलेगा पिंटरेस्ट एक्चुअल में है क्या, तो यहाँ पर से आप एफिलिएट मार्केटिंग भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। कुछ भी करना नहीं है आपको, सेम सिंपल मेथड है, सेम मेथड होता है, और यहाँ से आप अच्छे खासे रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि मैंने आपको अच्छे से पिंटरेस्ट के बारे में बताया है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आया होगा। और आपने इस वीडियो को देखा, बस इसको ऐसे ही जाने मत दो, आप इसको इम्प्लीमेंट करो, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे गाइज। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि अगर आप एक ब्लॉगर हो तो आपके लिए इस वीडियो में एक गिफ्ट है मेरी तरफ से। तो दोस्तों वो जो गिफ्ट है आप यहाँ पर देख सकते हो, तो वो है दोस्तों वर्डप्रेस की एक प्रीमियम थीम। आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडियो प्रेस की एम्बियंस प्रो, एम्बियंस पता नहीं जो भी नाम हो इसका, एम्बियंस प्रो, ये जो थीम है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हो $99.95, यानी कि लगभग 7,500 रुपये की ये थीम है दोस्तों। तो मैंने इस थीम को परचेस किया था GPL लाइसेंस में, GPL लाइसेंस यानी कि जनरल पब्लिक लाइसेंस। अगर आप एक बार परचेस कर लेते हो तो आप वो थीम किसी को भी दे सकते हो, आप गिफ्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कितने भी वेबसाइट पर हम इस थीम को यूज कर सकते हैं। तो मैंने इस थीम को परचेस किया था, तो मैं वो आपको दे सकता हूं। तो आपको सिर्फ करना क्या है, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई अच्छा सा कमेंट करना है, बस उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर दीजिए वो स्क्रीनशॉट, और मैं ये जो थीम है वो आपको दे दूंगा। इंस्टाग्राम के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहाँ पर मुझे DM कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो फॉलो भी मुझे आप कर सकते हो। इसी तरह के मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोज वगैरह, गिफ्ट वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो देर किस बात की, अगर आप एक ब्लॉगर हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे इंस्टा पे DM कीजिए, और अपनी जो थीम है $99.95 की ले लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, नए हो चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। यहाँ पर ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आते हैं जिससे आपकी ब्लॉगिंग में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। सो या गाइस मिलते हैं एक और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक और अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।